नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो DP-MCB होती है और जो हमारा DP स्विच होता है, इनमें क्या फर्क होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे घरों में पहले के समय में भी और अब भी काफ़ी सारे घरों में हमारे जो है DP स्विच का यूज़ किया जाता है। और ये DP स्विच का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हमारे घर की मेन लाइन यानी हमारे घर की मेन सप्लाई को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और यदि हमें कोई हैवी उपकरण, एयर कंडीशनर और हमारी कोई भी मोटर वगैरह या फिर कोई भी हैवी लोड चलाना हो तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए भी DP स्विच का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, कुछ सेम इसी तरह के काम के लिए हमारी MCB भी यूज़ की जाती है। बस दोस्तों, MCB को जो है हम अपने घर की मेन सप्लाई में लगा सकते हैं। दोस्तों, काम MCB का भी DP स्विच की तरह ही होता है किसी भी उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए, लेकिन DP-MCB जो होती है वह हमारी अलग होती है। DP-MCB से हम अपने किसी भी उपकरण को या फिर हमारे घर की मेन सप्लाई को खराब होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी MCB जो होती है वो ऑटोमेटिक काम करती है, यानी लोड ज़्यादा होने पर भी ट्रिप होती है और यदि आगे की तरफ कोई फॉल्ट हो जाता है तब भी ऑटोमेटिक ही ट्रिप हो जाती है। यह दोस्तों DP-MCB का फायदा होता है। और इसी वजह से दोस्तों आज ज़्यादातर DP स्विच का यूज न करके DP-MCB का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों DP-MCB जो हमारी होती है वह हमें दो प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। एक तो होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने घर में 10 एम्पियर की MCB यूज की है और आप उसके आगे की तरफ जो है 10 एम्पियर से ज्यादा 16 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर के करीब लोड जो है चलाने की कोशिश करेंगे तो वह MCB जो है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों MCB की करंट रेटिंग से जब भी 2 गुना या 4 गुना लोड ज़्यादा हो जाता है तो MCB ऑटोमेटिक जो है 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों, हमने MCB यूज़ की है हमारी मेन वायरिंग में और आगे की तरफ हमारा मान लीजिए कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे आगे की तरफ जो है प्लस और माइनस दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है MCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी और आपकी घर की वायरिंग को जो है जलने से बचा लेगी। जबकि दोस्तों DP स्विच में ऐसा नहीं है। DP स्विच में हम दोस्तों सिर्फ उपकरण को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने DP स्विच ऑन कर दिया है और आगे की तरफ यदि हमारे फेज और न्यूट्रल दोनों वायर जो है अटैच हो जाते हैं तो ऐसे में आपकी वायरिंग जलेगी ही जलेगी, क्योंकि DP स्विच जो है ऑटोमेटिक ऑन या फिर ऑफ नहीं होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है हमारी DP स्विच और DP-MCB में। तो अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि DP स्विच का इस्तेमाल तो जो है हमारे घर के हैवी उपकरण चलाने के लिए या फिर कोई भी उपकरण जो है ऑन या फिर ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको DP स्विच यूज करने से पहले यह बात जरूर ध्यान रखें कि वह उपकरण आपका कितने एम्पियर जो है लोड लेता है या फिर कितने वाट वह लोड ले रहा है, उस हिसाब से दोस्तों एम्पियर की करंट रेटिंग चेक करते हुए ही आपको जो है DP स्विच लेना होगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको जो है अपने घर में एयर कंडीशनर वगैरह चलाना है या इससे भी हैवी अपने जो आटा चक्की वाली मोटर होती है, इस तरह के उपकरण आपको चलानी है, तो आपको 32 एम्पियर का जो है DP स्विच सही रहेगा। 32 एम्पियर के DP स्विच से जो है आप अपने घर के काफी हैवी लोड एयर कंडीशनर वगैरह, रूम हीटर वगैरह और इलेक्ट्रिक पानी गर्म करने वाली रोड वगैरह, फ्रिज, कूलर और वाटर गीजर जिसे कहते हैं, वो भी आप इस पर चला सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यदि किसी भी उपकरण को ऑन या फिर ऑफ करने की जरूरत है तो आप DP स्विच का यूज बड़े ही आसानी से कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप यह चाहते हैं कि हमारी इस उपकरण के ऊपर हमें पूरी सिक्योरिटी की जरूरत है, जैसे आप अपने घर में मेन लाइन में MCB लगाना चाहते हैं या फिर पहले के समय में आपने अपने घर में मेन सप्लाई में जो है DP स्विच यूज किया हुआ है, तो आप DP स्विच को हटाकर DP-MCB लगा लें, क्योंकि दोस्तों DP-MCB जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है आगे की तरफ फॉल्ट होने पर या फिर लोड पड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव है या आपको अब भी इसके बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट करके हमें बता देना, हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।